नमस्कार। आज हम बनाने जा रहे हैं स्प्राउट्स की शाही सब्जी, जिसके लिए हमने लिया है चना और खड़ी मूंग की दाल। इसको हम 3-4 पानी से बहुत अच्छे से धो लेंगे, उसके बाद गलाएंगे। अभी पानी से अच्छे धोने के बाद, जब पानी भिगोने के बाद पानी बचेगा, उसे हम यूज़ कर सकते हैं। ये 6-7 घंटे गल के तैयार हैं। मैंने इनको 6-7 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। चना और दाल गल चुके हैं, अब हम इन्हें छान लेंगे। ये छना हुआ पानी आप यूज़ कर सकते हैं आटा मारने में, सब्जी में। अब एक सूखा कपड़ा लेंगे, इसमें हम स्प्राउट्स डालेंगे और कस के पोटली बनाएंगे इसकी, और इसको ढककर 24 घंटे के लिए रख देंगे। करीब एक दिन लगता है। ये देखिए, एक दिन बाद स्प्राउट्स बनके तैयार है। काफ़ी अंकुर आ चुके हैं दाल में भी, चने में भी। अब हम इन्हें यूज़ कर सकते हैं। स्प्राउट्स बहुत अच्छे दिख रहे हैं। अब हम ग्रेवी बनाएंगे। इसके लिए हम नमक, गरम मसाला, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर। सबसे पहले हम स्प्राउट्स को उबाल लेंगे। इसे हमें कुकर में उबालना है क्योंकि ये अच्छे से उबल जाए। थोड़ा पानी डालेंगे, पानी हमें इतना ही रखना है। हल्दी, नमक, इसको अच्छे से चला दीजिए। अब हम कुकर बंद कर देते हैं। पहली सीटी हम बहुत तेज आंच पे लगाएंगे। एक सीटी हम तेज आंच पे देंगे और दूसरी सीटी हम सिम आंच पे। दूसरी सीटी हमको सिम आंच पे देना है। अब हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे। प्याज, लहसुन, अदरक, टमाटर, हरी मिर्च, मखाने और दही, बटर। बटर से हम इसको फ्राई करेंगे। खड़ा गरम मसाला, ये सामग्री हमें ग्रेवी बनाने में लगेगी। सबसे पहले हम प्याज लहसुन को चॉप करेंगे। चॉपर में बारीक चॉप करना है हमें। और टमाटर को हम मिक्सी में पेस्ट बनाएंगे इसका, टमाटर का। ये पेस्ट बनके तैयार है। प्याज भी चॉप होकर तैयार है। अब हम बटर गरम करेंगे। सबसे पहले हम बटर गरम करेंगे अच्छे से, उसके बाद हम इसमें खड़े गरम मसाले डालेंगे। ये बहुत ही टेस्टी सब्जी बनती है, आप घर पे ज़रूर बनाइए। इनको भी हम एक दो सेकंड के लिए भून लेंगे, ज़्यादा नहीं भूनना है बस। अब हम अदरक डालेंगे। अदरक को करीब 1 मिनट भूजिए धीमी आंच पे। अब हरी मिर्ची, प्याज चॉप किया हुआ, प्याज लहसुन, इसको भी हम धीमी आंच पे 2-3 मिनट भून लेंगे। अब हम इसमें टमाटर की प्यूरी डालेंगे, हल्दी, धनिया, दही, नमक। नमक थोड़ा डालेंगे क्योंकि हमने पहले भी डाला था। 3-4 मिनट भुनने के बाद अब हम इसमें डालेंगे लाल मिर्ची। बाकी चीज़ें हमने 3-4 मिनट भून ली थी, उसके बाद लाल मिर्ची डालिए। स्प्राउट्स उबल के तैयार हैं।
स्प्राउट्स को हमें इतना ही उबालना है कि वो खिले खिले रहें। देखिए एक एक दाना खिला हुआ है। हमने दो सीटी लगाई थी, एक तेज आंच पे एक धीमी आंच पे। बहुत अच्छे से चना गल चुका है। अब हम इसे मसाले में डालेंगे। ये बहुत ही हेल्दी और पौष्टिक सब्जी है और टेस्टी भी। ग्रेवी आप अपने टेस्ट के अनुसार रखिए। अब इसमें मखाने ऐड करेंगे। मखाने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और हेल्थ के लिए भी अच्छे रहते हैं। मखाने डालने के बाद हमें इसे धीमी आंच तेज आंच पे सिर्फ 2 मिनट पकाना है। तेज आंच पे सिर्फ 2 मिनट पकाइए। देखिए सब्जी बनके तैयार है। अब हम इसमें गरम मसाला डालेंगे थोड़ा सा फ्लेवर के लिए। इसके साथ हमने मूली का कस बनाया है जिसमें नींबू और नमक मिलाया है। इसको हम चावल के संग सर्व करेंगे सब्जी को, प्लेन चावल के साथ। आप चाहें तो रोटी के साथ, पराठे के साथ भी खा सकते हैं, पर चावल के संग ये बहुत ही टेस्टी लगती है और बच्चे आसानी से खा भी लेते हैं। ये देखिए कितनी शानदार और शाही सब्जी बनके तैयार है स्प्राउट्स की, जो कि हेल्थ और पौष्टिकता से भरपूर है।